जय श्री राधे जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल विलेज लाइफ में। तो मैंने कोई वीडियो आज शूट नहीं की है। आज हम पशुओं के शेड की साफ सफाई करेंगे, वही आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो जो मैट वगैरह है उनको सभी को निकाल लेंगे बाहर, और पशुओं को भी कर लेंगे बाहर। तो अंदर बाहर के जो मैट वगैरह है उनको साफ कर लेंगे, और शेड भी पानी से धोकर साफ कर लेंगे, क्योंकि जो मैट के नीचे गंदगी होती है ना, उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो उनको हफ्ते या 10 दिन के बाद साफ करना पड़ता है। तो पहले तो हम पशु बाहर कर लेंगे। और हल्की हल्की सी लगी हुई है बारिश, तो हल्की हल्की बारिश है, और तो वही वीडियो बनेगी आज, पशुओं की वीडियो बनेगी पूरी। बताना जरूर कि आपको ना आज की वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, झाड़ू लगाते लगाते दोनों साइड मैंने साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास फ़ोन नहीं था, तो फ़ोन पर फ़ोन आ गया था। पंकु के पापा के पास था फ़ोन, तो ये वाला साइड हमने बिल्कुल मतलब साफ़ कर लिया है। पहले झाड़ू लगाया, फिर पानी से साफ़ किया, और मैट निकाल दिए बाहर। मैट कर रही बेटी साफ़, और मैंने दोनों साइड साफ़ किए, और बाहर भी मैं पूरा आंगन जो है पशुओं का वो बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। और तो ये है बकरी ये वाला शेड, यहाँ बकरी और बड़े वाली गाय का बछड़ा, और मतलब जो हमारे देसी पहाड़ी गाय है वो रहते हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ पर मैंने राख में डीटी पाउडर डालकर यहाँ मतलब फैला दिया है पूरे शेड में। और ये है बाहर का, तो जो ये बाहर के मैट हैं इनको भी हम साफ़ कर लेंगे, और बाहर आंगन में भी पूरे मतलब पानी से ही साफ़ करेंगे। पहले झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद पानी से साफ़ कर लेंगे। और तो यहाँ मैं कर रही हूँ आंगन साफ़। थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, इतना जल्दी नहीं करते नहीं कोई नहीं काम, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ी सी स्पीड हल्की सी बढ़ा दी है। और मैं मतलब साफ़ सफाई कर रही थी, और बेटी ने मैट साफ़ किए, और पशुओं को नहला धला कर उनको चुगने के लिए छोड़ दिया ये है। देखो हमारी तो बकरी, ये जा रही है चोरी करने, और ये आ गई मेरे पास। म्या 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 बाय। कैसा नजर बकरी? तो ये है आसपास का व्यू, और हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है। तो पशुओं को नहलाने के बाद थोड़ा घूमने के लिए छोड़ दिया है, और बेटी बनी हुई है यहाँ पर कैमरा मैन है, तो घर के पास में ही चुगने के लिए छोड़े हैं। तो ये जो भैंस है ना, गाय को बिल्कुल भी नहीं मानती, और ढूंढती रहती है जो हमने भैंस बेची है उसको ही। तो यहाँ ममता और ममता के पापा खड़े हुए हैं पशुओं के पास, चुगा रहे हैं, और ये गया रास्ता हमारे जो पड़ोसी के घर है ऊपर। तो यहाँ पर टाइम हो गया है 2:30 हो गए हैं, और ममता और ममता के पापा मैट कर रहे हैं अंदर, क्योंकि पशु हमने अब अंदर कर देने हैं। बाहर लग गई है मक्खी, और हम भी नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं। अब बज गए 2:30, खाना अभी अभी खाया, मतलब खाया, और तुरंत से मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पर एंड कर लेती हूँ। और बारिश अभी भी लगी हुई है, पता नहीं थमेगी, और तब फिर हमें घास काटना है। और घास काटने के लिए नई ड्रेस, और घर के लिए है ये वाली ड्रेस। तो पहले हमने पूरा काम कर दिया, और उसके बाद ड्रेस कर ली है चेंज। तो आज हमने पूरा जो है वो पशुओं का ही वीडियो बनाया है। तो बताइएगा आप जरूर कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो चलो करते हैं वीडियो का भी यहीं पर एंड। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।